मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए। यहाँ पर कस्टमर्स जिनको आके हमसे बात करनी हो, हम ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट हम लोग अरेंज कर रहे हैं लोगों के लिए। अगर आप सैड फील कर रहे हो, अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हो उस दिन, तो आप ये नहीं बोलोगे कि भाई मैं तो आज बहुत बहुत सैड हूँ, मुझे बहुत गंदा फीलिंग हो रहा है। ये तो मैं गेम्स लेके आई थी, मुझे लगा था आपके साथ खेलने में मजा आएगा। ट्राई करते हैं। इस मैं ऐसे रख देती हूँ। इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको लेडी दिख रही है, इस साइड भी फेस है लेकिन उस साइड लेडी है। हाँ, यहाँ पे लेडी है ना। किसी किसी को ऐसे देखो तो आपको एक एंग्री मैन दिखेगा। जदों असी देखते सी गुआंढी सूबियां दे विच पेट्रोल ते डीजल दीयां कीमतां बहुत घट ने, तां असी सोचदे सी साडे पंजाब विच इवें क्यों नहीं। सानूं पहलां जाणा हुंदा सी किते, पंज वार सोचणा पैंदा सी वी हाँ असी जाणा पेट्रोल दी कीमतां नूं लै के, वी हाँ जेब की नहीं देखदे सी वी यार, कई बार तां जरूरी काम वी छड्डणे पै जांदे सी। पेट्रोल दे रेट असी 10 रुपये घट कर रहे हैं अज ही रात तो, 10 रुपये। 5 रुपये डीजल दे रेट अज तो ही रात तो असी घट कर देंगे। होर सारी सरकारां ने लारी लाए पर चन्नी सरकार ने साडे वास्ते बहुत फायदेमंद करिया। चन्नी सरकार ने वह कर दिखाया जो पंजाब दे इतिहास दे विच कदे नहीं होया। पिछले 70 सालां दे विच कदे मैं सुनिया नहीं कि इन्ना रेट भी कदे घटिया होवे। इस मां करके जिमीदारां नूं वाधू फायदा हो रहा भी, फसलां वधिया टाइम नाल बीज रहे और वाहवाही भी वध वध कर रहे कि नाल। सानू 1000 रुपया प्रति ड्राम पिछे बच जाता है, होर सानू की चाहिदा। पहला सरकारां ने किसी ने 5 पैसे घटाता, किसी ने 10 पैसे रुंगे जे दई जांदी सी। ये चन्नी सरकार ने एकदम इन्नी कटौती करके सानू इस नाल हरेक वर्ग नू बहुत फायदा होया। ये सरकार सब दी सरकार है, आम लोगों की सरकार है, और मैं वो बोलना जो लोगों की जरूरत है, जो लोगों को लोड़ है, जो आम आदमी को चाहिए। असी इस फैसले तो बहुत खुश हाँ। चन्नी सरकार का दिलों बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब सरकार, आम लोगों की सरकार। मैं पॉजिटिव पर्सन बहुत। हाँ जी, अब तो बहुत पॉजिटिव हो। क्या है, मैं कि किसी चीज का सिंबल है, चाहे किसी चीज को कुछ बता रहे हैं, क्या है? योर शुगर डैडी, यही नाम क्यों चूज किया? कैसा रिस्पांस मिलता है? वो इंटरेस्टेड होते हैं गेम्स खेलने में कि यहाँ उनको नॉर्मल होता है, नहीं आए हैं खाए पे बस जाएंगे। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो प्रो पंजाब टीवी, मैं है खुशी सरा। मेंटल हेल्थ नूं लै के साडे समाज च बनी हुई सोच नूं तोड़न लई, जिस विषय दे उपर खुल के गल करन लई, एक 21 सालां दी लड़की दे वल्लों एक बड़ा ही वधिया कदम चुक्या गया है मेंटल हेल्थ कैफे नूं ओपन करके। सो आखिर की कुछ इत्थे फैसिलिटीज़ ने, किवें दा इत्थे तुहानूं माहौल मिलेगा, की एक्टिविटीज़ करवाईआं जाणगीआं इस कैफे दे विच, जिसका नाम आ योर शुगर डैडी। जानते हैं उन्हां दे नाल गलबात करके। सो सब तो पहला तुहानूं लै के चलदे आं अंदर, ते तुहानूं दस्सदे आं कि इस कैफे दे विच की फैसिलिटीज़ ने अवेलेबल। सो तुहाडी सब दी मुलाकात करवाण जा रही हां एंजल डी सूजा दे नाल, जो कि इस टाइम मेरे नाल मौजूद आ। हाय एंजल। हेलो, वेलकम टू प्रो पंजाब टीवी। थैंक यू। सो एंजल, गल करते हैं कैफे दी, मेंटल हेल्थ कैफे। जो नाम सुनते हैं तो मेंटल वर्ड कितने कितने डिस्टर्ब कर देना कि पता नहीं की चीज़ है। सो की कंसेप्ट की है? हाँ, तो फिर ये, मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगा कि जब मैं एक कैफ़े खोलूँगी तो एक न्यू कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि पंजाब में, चंडीगढ़ में, हर जगह नॉर्मल कैफ़ेज़ तो बहुत है जो सिर्फ खाना दे, मतलब और कुछ इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है। पर यहाँ पर आप जब आओगे तो आपको खाने के साथ एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो जो मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए, क्योंकि मतलब आप देखोगे तो इंडिया में लोग जो वो अंदर से फील कर रहे होते हैं वो इतनी बात नहीं करते उनके बारे में, और
और जब मेंटल वर्ड, वो जैसे आपने बोला मेंटल वर्ड सुन के लोग थोड़ा मतलब डर जाते कि क्या है, तो वही मुझे वो डर मिटाना है कि नॉर्मल होता है, इट्स ऑल नॉर्मल। तो मतलब यहाँ पर जब भी कोई कस्टमर आता है हम उनके साथ थोड़ी गेम्स खेलते हैं, माइंड स्टिमुलेटिंग गेम्स होती है ये, साइकोलॉजिकल। एंड उनको मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड भी हमारे पास बेक्ड गुड्स है, हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ क्यूजींस भी है, तो हम वो सब प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ पर मंथ हमारे थोड़े बहुत इवेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारी डॉग थेरेपी इवेंट होने वाला है और हम माइंडफुलनेस एंड योगा इवेंट भी रखने वाले हैं, जिससे लोगों को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस भी मिले, क्योंकि मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रेस्ड हो वो आ सकते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। और यहाँ पर कस्टमर्स जिनको आके हमसे बात करनी हो, हम ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट हम लोग अरेंज कर रहे हैं लोगों के लिए, इनकेस यू देड लाइक टू कम एंड सिट एंड हैव अ चैट और हैव इट ऑनलाइन, तो दिस विल हेल्प देम, क्योंकि मतलब लोग बात नहीं करना चाहते ना। यही प्रॉब्लम है इंडिया की कि लोग ना डरते बहुत है मेंटल वर्ड से, कहते हैं मेंटल हेल्थ, अच्छा पता नहीं क्या हो गया, क्या कौन सी चीज़ है। सो आई थिंक यू आर जस्ट 21 है ना, तो कंसेप्ट ठीक है ना, आपने ऐसे सोचा, आइडिया कैसे आया था आपको स्टार्टिंग पे, कैसी चीज़ सोची कि हाँ ये चीज़ करनी है, क्योंकि बहुत अलग है। हाँ, तो मुझे ये आया क्योंकि जैसे कि मैंने बोला मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, मुझे लगा कि मैं कुछ जो पढ़ रही हूँ मुझे वो अप्लाई करने के लिए ना एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और मुझे मतलब हमेशा से स्टार्टिंग से ही मुझे लोगों की हेल्प करनी है, तो इससे बेटर प्लेटफॉर्म मुझे लगा कि क्या हो सकता है। बट मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि पता नहीं लोग इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, क्या उनको अच्छा लगेगा, कि उनको ऐसा लगेगा कि ऐसे सिर्फ मतलब उनको ऐसा ना लगे कि ये सिर्फ यू नो मेंटली जो रिटार्डेड है उनके लिए है, बट ये सबके लिए है, और सब लोगों का यहाँ पे वेलकम होता है, जिसको आना है वो आए, जिनको जो बात करनी है, इट्स एन ओपन स्पेस, अ सेफ स्पेस फॉर पीपल टू टॉक टू। तो इसलिए मुझे ये आइडिया आया, और मुझे लगा कि मतलब जैसे अगर आप किसी से बात करोगे और अगर आपको बुखार जुकाम या कुछ हो, तो आपके नॉर्मल डेली रूटीन में अगर मतलब आप किसी से बात करते हो तो आप बोल सकते हो कि अच्छा हाँ मैं तो बीमार पड़ गई, मेरा तो थोड़ा ना जुकाम चल रहा है मुझे। बट अगर थोड़ा अगर आप सैड फील कर रहे हो, अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हो उस दिन, तो आप ये नहीं बोलोगे कि भाई मैं तो आज बहुत बहुत सैड हूँ, मुझे बहुत गंदा फीलिंग हो रहा है, मुझे बेड से निकलने का मन नहीं कर रहा, ऐसी ऐसी चीज़ें कोई बोलता नहीं है। कहीं ना हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या, लोग जज करना स्टार्ट कर देते हैं, स्ट्रेस वर्ड, डिप्रेशन वर्ड इनको अलग ही लेवल पर ले जाते हैं कि अच्छा पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी है, क्या हो गया इनको, वो चीज़ें आ जाती है। तो अगर एंजल हम बात करें आपकी स्टडी की, तो स्टडी वगैरह चल रही है कैसे, फिर साथ के साथ मैनेज कर रही हो? हाँ जी, तो मेरी स्टडी एक्चुअली मैं यूबीसी वैंकूवर में हूँ, तो अभी वो ऑनलाइन चल रहा है, तो वैसे मतलब ऑफलाइन ही है, पर मतलब इस टर्म में मैंने ऑनलाइन लिया हुआ है, बट मैं नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रॉब्ली जाऊँगी। फिर यहाँ कैसे मैनेज करोगे सारा? मोस्ट प्रॉब्ली माई मॉम विल मैनेज इट, क्योंकि वो भी मतलब हमारे साथ होते हैं, आज वो यहाँ पे नहीं है, पर वो मतलब उस टाइम वो आई थिंक मैनेज कर लेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, और साथ में हम थोड़े हेल्पर्स रख के, पर अभी जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तो मैं मैनेज कर ही रही। तो अगर एंजल बात करें तो लॉकडाउन था है ना, लॉकडाउन में कैसे सोचा ये सब करने का, क्योंकि आपको तो बड़ा फायदा हुआ लॉकडाउन का, और घर से आई थिंक आपने स्टार्ट किया था, वो कैसी स्टार्टिंग हुई, और जब पेरेंट्स से बात की तो क्या रिएक्शन था, क्या था वो सब, उसके बारे में बताइए। हाँ जी, तो ये मैंने स्टार्ट किया था जुलाई 2020 में, तब लॉकडाउन था और तब मुझे इतना कुछ बनाना नहीं आता था, मेरा एक्सपेरिमेंटेशन फेज चल रहा था, मतलब जून में एक्सपेरिमेंटेशन फेज चल रहा था, तो जब अच्छा बनने लगा तो मुझे लगा कि अब तो मतलब बहुत हो गया, क्योंकि लॉकडाउन में बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, घर पे पूरा टाइम, मुझे खुद मेंटली इतना स्ट्रेस्ड हो गई थी मैं कि मैं क्या करूँ अब, क्योंकि मुझे कुछ माइंड डाइवर्ट करने के लिए चीज़ चाहिए थी, उस टाइम कॉलेज की भी छुट्टियाँ थी, कुछ भी नहीं था करने को, तो मुझे लगा कि अगर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी, हर न्यूज़ देखो, हर जगह देखो कोविड ये वो, कुछ पॉलिटिक्स का कुछ कुछ ये कुछ वो, सब नेगेटिव था, तो मुझे लगा कि अगर उसे चेंज मतलब अपने आप अपने माइंड को डाइवर्ट करना, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने ये स्टार्ट किया एज अ क्लाउड किचन एंड होम बेकरी, तो 1.5 इयर्स हो गए अब तो, मतलब होम बेकरी अभी भी मैं प्री ऑर्डर पे लेती हूँ केक्स एंड मैं डेकोरेट करती हूँ सब, बट उस टाइम मतलब वो न्यू था मेरे लिए पूरा। सीखा कैसे सब कुछ बनाना फिर? यूट्यूब जिंदाबाद वही चीज़ है, बाकी लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा लिया वो चीज़ है। तो पेरेंट्स की सपोर्ट मिली तब से? हाँ जी, तब से ही मैंने तो मम्मा को बोल दिया था पहले कि मेरे से तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, मतलब
बहुत कुछ हो गया था मुझे तो, बहुत मतलब इतना नेगेटिविटी था हर जगह, मुझसे हो नहीं रहा था, तो मुझे लगा मुझे कुछ न्यू करना है। तो फिर मम्मा ने तो पूरा सपोर्ट किया, इवन पापा ने, सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। फिर मतलब इतना अच्छा रिस्पांस भी मिला, मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा कोई रिस्पांस मिलेगा। तो रिस्पांस जब मिला तो और मोटिवेशन आई कि अच्छा हाँ, मतलब और भी हो सकता है, कुछ हो सकता है। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि कैफ़े कभी खुलेगा, बट खुल गया तो और भी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। सो बेसिकली आप एंजल कहाँ से? मैं तो हूँ चंडीगढ़ से, बट हाँ जी हाँ जी, बट आई वॉज ब्रॉट अप इन मुंबई, सो बट वी शिफ्टेड टू चंडीगढ़ अगेन एंड नाउ लाइक आई एम स्टडिंग इन वैंकूवर, बट लाइक आई एम हियर बिकॉज वो ऑनलाइन चल रहा है। तो कैफ़े की क्या टाइमिंग्स है? पूरा दिन ओपन होता है? कितना टाइम ओपन होता है? वीकली कितने दिन ओपन होता है? हाँ जी, तो वीकली ट्यूसडे को छोड़ के एवरी डे इट्स ओपन एक्सेप्ट ट्यूसडे, एंड इट्स ओपन फ्रॉम 11 o'clock टू 9 p.m. 11 a.m. टू 9 p.m. खाने में क्या क्या वैरायटीज, क्या क्या खाने में मिलता है, लाइक वेज नॉन वेज सब कुछ है कैसे? हाँ जी, सो हमारे पास खाने में तो वेज है, नॉन वेज है, वी हैव, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ी कोरियन ड्रामा फ़ैन हूँ और बहुत सारे लोग आजकल है BTS एंड कोरियन ड्रामा फ़ैन, तो हम लोग कोरियन रामेन बोल्स देते हैं, हम बोबा टी देते हैं विच इज़ स्पेशली लाइक फ्रॉम द कोरिया का साइड, एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड मतलब अपना नॉर्मल जो पंजाबी फूड होता है, जो बटर चिकन, दाल मखनी, वो सब, मटर पनीर और सब सब कुछ। वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, मतलब मोमोज भी मिल जाएंगे आपको, सैंडविचेस भी मिल जाएंगी आपको, नॉर्मल अपना मेन कोर्स भी मिल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा। और डेजर्ट्स में तो बहुत वैरायटी है, क्योंकि डोनट्स है, केक्स है, वो तो हम बेकरी से ही मतलब कर रहे थे, तो डेजर्ट्स में तो और भी वैरायटी। मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड पड़े हैं ये वाले, तो इसके बारे में एक बार मैं चाहती हूँ ऑडियंस को बताओ ये गेम्स है क्या है, ये टर्न बाई टर्न इन पर डिस्कस कर। ठीक है, ये तो मैं गेम्स लेके आई थी, मुझे लगा था आपके साथ खेलने में मज़ा आएगा, ट्राई करते हैं। हाँ जी, सो ये जो गेम है इसमें आप देखोगे तो हर कलर का वर्ड डिफरेंट कलर में लिखा हुआ है, जैसे कि ब्लू को रेड में लिखा है, ग्रीन को ब्लू में लिखा है, येलो को रेड में लिखा है, तो आपको 10 seconds मिलेंगे ये बताने के लिए कि कौन से कलर से लिखा गया है, मतलब आंसर होगा रेड ब्लू रेड, ऐसे आंसर होगा, ठीक है? तो 10 seconds मिलेंगे, ओके, सो 1 2 3 गो। हाँ, से स्टार्ट कर, ओके, रेड ब्लू रेड ब्लू, ये ग्रीन पर्पल येलो रेड, टाइम अप हो गया, टाइम अप, मतलब आपने काफी अच्छा किया, तो पहुंच ही गए। हाँ जी, एक और करते हैं, ये फिर से करना है कि मैं दूसरा एक गेम दिखाती हूँ, आप कोई और दिखाओ। तो इस मैं ऐसे रख देती हूँ, इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? ये मुझे कुछ पंछी जैसा लग रहा है, पंछी जैसा लग रहा है ना, तो किसी किसी को ना ये पंछी नहीं, ये रैबिट भी लगता है, अगर आप देखोगे तो रैबिट भी और पंछी भी है, यहाँ से देखो तो पंछी, यहाँ से देखो तो रैबिट है ना। तो ऐसे मैंने पर्सनालिटी साइकोलॉजी की रिसर्च पढ़ी है, जिसमें बताया गया था कि जो लोग इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, जिनको ये रैबिट और पंछी एक साथ दिख रहा है, वो लोग इजीली अडाप्ट कर सकते हैं न्यू ओपिनियंस को, मतलब वो ज़्यादा ओपन होते हैं। तो ये ऐसे मैंने मतलब एक पिक्चर है, फिर एक और है, एक सेकेंड, हाँ जी, सो इसमें आपको पहले क्या दिख रहा है? लेडी है। हाँ हाँ, इसमें आपको लेडी दिख रही है, इस साइड भी फेस है लेकिन उस साइड लेडी है। हाँ, यहाँ पे लेडी है ना, किसी किसी को ऐसे देखो तो आपको एक एंग्री मैन दिखेगा, है ना, बिल्कुल, पूंछों के साथ। तो जो लोग पहले लेडी देखते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, जहाँ पे जाते हैं मतलब सब पॉजिटिव हो जाता है, और जो लोग मैन पहले देखते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनमें ज़्यादा लीडरशिप स्किल्स होती है। मैं पॉजिटिव पर्सन हूँ बहुत। हाँ जी, अब तो बहुत पॉजिटिव हो। तो ऐसी ऐसी गेम्स हम खेलते हैं, तो इससे लोगों का अपलिफ्ट भी होता है, मूड उनको थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है, कि खाने के साथ लोगों से बात भी हो रही, इंटरेक्शन हो रहा है, और मतलब ना अच्छी उनको वो लगती है। और हम कभी कभी मतलब लुकिंग एट द क्राउड के, अगर वो अगर मतलब मेरे एज के ऐसे बच्चे मतलब एडल्ट्स हो, तो मैं उनसे बोल देती हूँ कि अगर आपकी साइड में कोई कस्टमर मतलब दूसरे टेबल पे बैठा है, तो मैं आपको डेयर दूंगी कि आप उनसे जाके बात करो। तो ऐसे ऐसे होता है, अगर मतलब उनको करना है तो वो ऑफकोर्स करेंगे, मैं फोर्स नहीं करूँगी किसी को, बट उससे भी ना लोगों को थोड़ा और अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है लोगों का, कि अच्छा किसी न्यू से बात किया आज या जो भी किया। तो वैसे मतलब न्यू एक्सपीरियंस के लिए मैंने ये स्टार्ट किया। मैं देख रही थी एक ना बड़ी अच्छी, मुझे अंदर मैंने अंदर देखा कि वो ना पंछी थे, एक मैं कि फेस किए हुए है ना दोनों ने,
वो क्या है, मैं किसी चीज का सिंबल है चाहे किसी चीज को कुछ बता रहे हैं, क्या है वो? हाँ जी, तो वो सिंबल एक्चुअली वो मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि जब भी कोई रेस्टोरेंट में आते हैं या तो वो मतलब ऐसे बैठे होते हैं या वो ऐसे बैठे होते हैं, तो ये जो पंछी है ये एक्चुअली दो अलग पंछी है जो एक दूसरे को देख रहे हैं। तो मुझे लगा कि अलग अलग जितने भी लोग आएंगे अगर वो एक दूसरे को देख के खाते हैं तो मुझे लगा कि उससे लाइक रिलेट करके, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर कोई न्यू किसी से बात करे तो वो तो अलग ही हुआ ना उससे थोड़ा, तो मतलब वो अच्छा लगेगा और, तो इसलिए मैंने वो लाइट चूज की थी। काफ़ी बहुत अच्छे से डेकोरेट की हुई थी, जो बैकग्राउंड है वो सब कुछ खुद लिखा है, वो क्या है? हाँ जी, तो वो सब ना पॉजिटिविटी कोट्स है, वो एक्चुअली पॉजिटिव वॉल ऑफ मेंटल हेल्थ बनाया है मैंने, पूरा खुद ड्रॉ किया है। हाँ जी, पूरा मार्कर से मैंने खुद ड्रॉ किया है। तो उसमें लाइक बहुत सारे टीवी शोज़ के कोट्स भी है, जो मोटिवेशनल टीवी शोज़ है, कार्टून्स थोड़े बहुत बनाए हैं मैंने ना, बच्चे आते हैं उनको अच्छा लगेगा देख के और सब कुछ, तो उसमें सब पॉजिटिव कोट्स लिखे हैं मैंने। अगर जो स्टार्टिंग की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में सब कुछ कैसे मैनेज किया था, किसी ने हेल्प की थी कि खुद ही सब कुछ, ग्राफिक्स, आर्ट, नाम? हाँ जी, तो ये मैंने ही पूरा सब कुछ मैंने किया था क्योंकि 21 जुलाई को मुझे याद है मैंने लोगो बनाया था, ठीक है, ड्रॉ किया था लोगो अपने मतलब उसमें स्क्रीन पे होता है तो उस पर मैंने ड्रॉ किया और वो बन गया था, तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा लोगो का, बना के क्या करूँ, तो फिर मैंने खोला और उसकी सब तब से ग्राफिक डिज़ाइन, पूरी मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया सब मैं ही करती हूँ। तो और नाम की बात करिए, और शुगर डैडी, यही नाम क्यों चूज़ किया? हाँ जी, तो ये मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे लगा ये बहुत ना कॉमिकल नाम है और मतलब लोगों को ना कैची लगेगा ये बहुत, जैसे अगर किसी मतलब कोई बेकरी या किसी रेस्टोरेंट में अगर कुछ ऐसे बेक्ड या लाइक ओवन टाइप होता है वो थोड़े कॉमन होते हैं, बट मतलब ऐसा एक नाम हो जो बहुत अलग भी हो, कैची भी हो और फनी भी हो, और मतलब थोड़ा ना ये थोड़ा सा वो भी है, कंट्रोवर्शियल भी है थोड़ा सा, बट उससे लोगों को कंट्रोवर्शियल करते करते लाइक दे विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, तो इसलिए मुझे लगा था कि ये ज़्यादा कैची होगा तो लोग सोचेंगे तो लोगों को ट्राई करने का मन भी करेगा, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। बहुत सारी थेरेपीज़ है ना, जैसे आपने बताया कि आप प्रोवाइड करोगे, एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करोगे, तो सबके लिए होगी कि जहाँ फिर अगर कुछ चाहते हैं बस उसी के लिए? ये तो सबके लिए, इट्स ओपन टू ऑल, जिसको आके हुएवर वांट्स टू डू इट, मतलब वो हम किसी को मतलब अप्रोच नहीं करेंगे कि नहीं आप करो आके, मतलब सबके लिए है, जिसको आना है दे कैन कम, इवन मतलब जो थोड़े से लाइक जो मेंटली इल भी हो उनके लिए भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सबके लिए मतलब इक्वली ऑर्गेनाइज होएंगी, हम लोग प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट रखेंगे जिससे वो सबको मतलब हेल्प कर सके, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि स्पेशली कोविड के टाइम के बाद कि कोई भी है जिसको हेल्प की ज़रूरत ना हो, सबको किसी ना किसी चीज़ में चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो किसी चीज़ में तो हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि अब मैंने देखा लोग ज़्यादा थोड़े ज़्यादा दुखी रहने लग गए हैं, पहले उतना नहीं होता था, बट फिर भी मतलब इसके लिए सबको करना चाहिए। आपने अपनी लाइफ में किसी को देखा था ऐसे जो काफ़ी डिप्रेस, जो काफ़ी स्ट्रेस में हो, बात ना कर पा रहा हो किसी से खुल के, और आपको फिर लगा कि नहीं इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए? मैंने मैंने नॉर्मली अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा जो बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा, इवन मैं बहुत स्ट्रेस्ड रहती हूँ, जब एग्जाम मतलब ये सब कुछ मैनेज करने में मुझे इतना स्ट्रेस हो गया था, तो हाँ मैंने देखा तो है काफ़ी लोग स्ट्रेस्ड हो जो बात ना कर पाए और वो हो, तो मुझे लगा कि मतलब उनको भी वो तो हेल्प के लिए चले गए, बट वैसा ही और भी होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर लोगों को इतनी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि उनको लोग हेल्प कर सकते हैं, बट ऐसे प्रोवाइड करके मतलब वो उनको भी हेल्प करेगा और वो मुझे भी इतना अच्छा लगेगा कि लोगों को पता चल रहा है कि ये सब नॉर्मल है एंड ये सब होता है, तो हाँ, तो फिर वैसे और बाकी तो मैंने केस स्टडीज़ एंड ऑल पढ़ी है बहुत सारी, जिसमें मतलब मुझे लगता है कि वो हो सकता है। बहुत सारे मैंने देखे फ़ोटो फ्रेम थे, काफ़ी अलग अलग उनमें पिक्स नज़र आ रही है, वो क्या है, मैं कि किसी चीज़ को बताने के लिए कि जो नॉर्मल ऐसी लगाई हुई है? वो मैंने अपने फेवरेट टीवी शोज से ना जो सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन वाली पिक्चर्स है ना वो लगाई हुई है, किसी किसी में आपको फ्रेंड्स की लाइक फ्रेंडशिप दिखेगी, किसी में आपको थोड़ा ऐसे एक होम अलोन का पिक्चर है जिसमें आ करके वो चीख रहा है, तो अलग अलग एक्सप्रेशंस की मुझे लगा कि मुझे अपनी फेवरेट, क्योंकि मुझे अपना भी कुछ एलिमेंट चाहिए था इसमें जो मतलब मेरा फेवरेट चीज़ लगे, तो वो मैंने उसकी पिक्चर्स प्रिंट करके वहाँ पर इसलिए लगाई है। सो अभी है ना स्टार्टअप कर चुके हैं एंजल, ऑलरेडी है ना चल रहा है आपका कैफे, तो अभी जब लोग आते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, वो इंटरेस्टेड होते हैं गेम्स खेलने में कि उनको नॉर्मल होता है, नहीं आए हैं खाए पे बस जाएं?
नहीं नहीं काफ़ी लोग गेम्स खेलते हैं, उनको बहुत मज़ा आती है, फिर वो नेक्स्ट डे आके अपने फ्रेंड्स को भी लेके आते हैं कि आज के गेम खेलो, उनको बहुत अच्छा लगता है वो भी। और काफ़ी दूसरे लोग भी मतलब आए हैं जिनको नॉट ओनली गेम्स उनको बट एक्चुअली बात भी करनी है हमसे, तो दे सिट विद अस एंड दे टॉक एंड मतलब साथ में दे ग्रैब देयर फूड या जो भी, तो उसमें भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि मतलब ना किसी को किसी से बात करके किसी को बेटर फील कराना बहुत बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके पास मतलब जो अभी यहाँ पे अगर शिफ्ट हो या उनके इतने फ्रेंड्स ना हो और उन्होंने अगर ये न्यूज़ पढ़ी हो या कुछ मतलब ना आर्टिकल देखा हो तो वो आ जाते हैं, तो उनको भी मतलब और अच्छा लगता है। तो अभी बता रहे हो ना पपी थेरेपी है कि आज है ना, तो कोई अपॉइंटमेंट्स लिए पहले सब ने, कैसे पता चलेगा उनको कि हाँ आज ये थेरेपी है जहाँ आज ये एक्टिविटी करवा रहे हैं कुछ स्पेशल? हाँ जी, तो हमने इंस्टाग्राम पे हम मार्केट कर देते हैं, तो ये मैंने 1 वीक पहले कर दिया था पोस्ट और सब, तो लोगों ने अपने स्लॉट्स बुक कर लिए और बट इट्स ओपन टू ऑल, मतलब जब वो यहाँ पे आएंगे तब मैं उनका स्लॉट बुक करके तभी कर दूंगी, क्योंकि हाफ एन आवर का है सेशन एक, तो इट डिपेंड्स। बट हमारे पास आज लाइक देर इज़ 1 baby Dachshund एंड वी हैव 1 golden retriever एंड वी हैव अ बॉक्सर ऑल्सो, तो वो यहाँ पे हम लोग गैदर करके उनके साथ बैठेंगे एंड लाइक वो होएगा, साथ में हम थोड़े लाइक प्रॉप्स एंड ऑल भी लेके आए अगर उनको फोटोज खिंचानी है या कुछ करना है तो वो सब कुछ है। सो आपसे बात करके एंजल बड़ा अच्छा लगा, और आप मैं कि जो आपने ये पहल की है, एक हम ये चीज़ कहेंगे मेंटल हेल्थ कैफ़े ओपन करके इस चीज़ को जो आपने स्टार्टिंग की है, बहुत बढ़िया काम है आपकी तरफ से, क्योंकि बहुत रेयर होता है इन चीज़ों पे कि बात करे, कि खुल के आगे आए कि हाँ इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए, और इतनी छोटी एज में आपने इतनी बड़ी चीज़ की है, आप तारीफ़ के काबिल हैं। सो कोई मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहें? हाँ जी, थैंक यू सो मच, आपसे मिलके भी बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, तो जो ऑडियंस को मैं मैसेज देना चाहूँगी वो है कि आप मतलब डरो मत, आओ यहाँ पे, मतलब ये हैप्पी प्लेस है, आप आओ, आप खाओ पियो खुश हो, और आप कभी अपना खुद का ना अंदर से जो भी बताना है वो बोल दो, आप डरो मत किसी से कि नहीं बोलना, या लोगों से मत डरो कि वो क्या बोलेंगे कि क्या सोचेंगे, क्योंकि ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लोगों की, मतलब आप हर रोज़ देखोगे तो हम लोगों के दिमाग में अराउंड 50-60,000 थाट्स आते हैं, और उसके अगर आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है इसका मतलब उसका बस एक थॉट गया आपके ऊपर, बाकी इतने सारे थॉट्स तो रहते हैं ना, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ही थॉट हो, आप ऐसे नहीं है कि वो आपके बारे में ही सोचते रहेंगे, तो आप फ़र्क मत करो, तो आपको जो बोलना है आप बोलो, कुछ नहीं होता, मतलब डरो मत, बस बोल दो, बंदास रहो आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। योर शुगर डैडी एंड मेंटल हेल्थ कैफे, जिथे आके तुसी खाओ पियो खुश हो जाओ ते दुरुस्त रहो, यही चीज़ उन्होंने दे वलो बार बार कही जाती है। सो तुहानू साडी अज दी स्टोरी कीवें दी लगी कमेंट करो ते अपनी राय जरूर दसो, हर लेटेस्ट अपडेट नू जानने लई देखते रहो प्रो पंजाब TV।